हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चोर रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ टॉप 5 इमोशनल एड्स ऑफ पाकिस्तान पे। आई डोंट नो वेदर चीयरफुल वे में इंट्रो क्यों दे रहा हूँ, ये इमोशनल एड्स होने वाला है और इमीडिएटली मेरा मूड खराब होने वाला है, तो लेट्स चेक इट आउट। पता है अब्बा, मुझे हमारी इमिग्रेशन के लिए हमें देने को आपके पास कुछ भी नहीं। इसको क्या फॉरेन में जाना है क्या? मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल, अपने पेरेंट्स को कभी ऐसा गिल्टी फील नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑलवेज गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट अपने बच्चों के लिए। बेटा वो हाँ जानता हूँ, यही कहेंगे ना, मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ, हम भी चले गए तो आपका क्या होगा? कभी सोचा है हमारा क्या होगा? देखो बेटा, अब्बा के पास इतने पैसे, कहीं अब्बा ने घर अब्बा घर बेच दिया? कहीं नहीं है। अब आपने घर क्यों बेच दिया? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? घर वही मजबूत होते हैं जहां रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील। अच्छा ये देखो, मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीरें मिली हैं। Yes, goal! अम्मा बस एक मिनट। नूर खान है ना ये? लेकिन दोनों ने मॉम को इग्नोर कर दिया। हिरा, आओ तुम्हारे तेल लगा दूं। नहीं अम्मा, सुबह कॉलेज पे तो जाने। अच्छा। वक्त की दौड़ में निकले आगे दूर। बेटा जी खाला, ये फेसबुक कैसे चलाते? अरे असद, कीमे वाले पराठे बनाए। कीमे वाले पराठे? अम्मा मैं बर्गर खा लूंगा ना। अच्छा लाए। अकाउंट बन गया? नहीं। Is that mom? It was so much fun, you know. आंटी socializing. अबे आंटी ने पराठे भेजे, कहाँ हैं? मेरे मेरे। Oh cute. हाँ हेलो अम्मा, ये क्या है? देखा कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें याद है जब तुम नाराज होती थी तो मैं तुम्हें क्या खिलाती थी? अम्मा सब थोड़ी डालते हैं इधर। पर फासले यार, तुम और आंटी शुरू से इतना क्लोज हो। I know kind of embarrassing है पेरेंट्स जब सोशल मीडिया पे आता है। हेलो मिया, क्या कर रही है फेसबुक पे? बेटा वैसे तो तुम लोगों से बात होती नहीं, तो सोचा शायद इस तरह ही हो जाए। तो करे ना। रुक कर फिर मुड़े और गले लगाए, बातें प्यार की सुने और सुनाए। कुछ रिश्तों में प्यार कभी कम नहीं होता, उन्हें सेलिब्रेट करें। हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत इमोशनल था फर्स्ट एड से भी ज्यादा। अम्मी अम्मी मुझे लंच में ना आज। सुनो ना, अब घड़ी नहीं मिल रही है। तके के नीचे देखा? अरे हाँ। हेलो अम्मी, सुना ना। सारा बेटा, तुम्हारा ड्राइवर वेट कर रहा है। बस अब वो निकल रही हूँ, दो मिनट। ये लंच आपका, अच्छे से खा लेना। I'll see you. Bye. आयान, तुम्हारे घर से लंच बॉक्स आया है। आयान बेटा, कभी ये मत समझना कि तुम्हें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें कब किस चीज का दिल करता है।
केक का ऐड है क्या? लेकिन ये क्लिनिक से इमरजेंसी कॉल आई थी आयान, अम्मी निकल चुकी हैं। बेटा एग्जाम लिखने से पहले एक बात समझ लो, तुम्हारे मार्क्स कम हुए या ज्यादा, अम्मी का प्यार कभी कम नहीं होगा। अब बगैर चश्मे के खेलेंगे तो यही होगा ना अब्बू? अरे दो दिन से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या बात? अयान, अगर गलती मान लेने की ताकत हो तो गलती माफ हो सकती है। पता था मॉम को किस नहीं है। अच्छा हुआ टूट गए, वैसे भी काफी पुराने हो गए थे, कल नए ले आते हैं। हैं? सॉरी, बहुत छोटी सी चीजें आयान, पर कभी कभी बड़े कमाल कर जाती है। सॉरी। यार मैं पहले इतना इमोशनल नहीं था, मुझे अभी इस पे ठीक है। पहले मैं सच्ची पत्थर दिल इंसान हुआ करता था, अभी मुझे छोटे छोटे चीज पे आंखों में आंसू आने लगता है। रोया नहीं, एटलीस्ट दैट्स गुड। अम्मी आप ही ने कहा था ना कि मीठी चीज शेयर करने से और भी मीठी हो जाती है। दिल का एक टुकड़ा दिल दुगना कर गया, दिल का एक टुकड़ा दिल दुगना कर गया, एक लम्हे को ऐसे बांटा। क्यों इंस्टेंट सेकंड ऐड अभी तक मेरा फेवरेट है। फ्रूट। मैं दुकान पर था, पीवी का फोन आया, पापा को फॉलेज का अटैक हुआ था। बाबा के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा मुझे याद आ रहा था। मैंने जब से होश संभाला था हमेशा उनके कुर्ते पे हरा बैज लगा देखा। जी हाँ, हमेशा। उन्हें अपनी पुरानी तस्वीरें बहुत अजीज थी और ट्रम्पेट से तो इश्क था, और अक्सर एक बात सबको बताया करते थे। मैं उस बैंड का हिस्सा था जिसने पहली दफा कौमी तराना बजाया था। सच्ची? पिछले यौमे आजादी पर उन्होंने मुझसे मीनारे पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, पर मसरूफियात की वजह से मैं ना ले जा सका। अब डॉक्टर कहते हैं कि सेफ नहीं उनको ऐसे बाहर ले जाना, पर शायद यही मौका है उनको जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां देने का। चाचा चार रोल देना। चार हाँ, अभी देते हैं। नहीं नहीं आज देना। ये लीजिए, अब्बू अभी यहीं से गए।
नेकी का रास्ता है तू, रोशनी तू, जरिया तू। आदिल बेटा, चाची रमजान मुबारक। अंदर आओ, रमजान है, अपनों से क्या नाराजगी? चाचा, भाईजान इतना अरसा हो गया, भूल जाते झगड़ा। अपनों को करीब लाने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे हैं। यार सर्फ एक्सेल के रमजान एड्स बहुत ही अच्छे होते हैं। वैसे ये वीडियो खत्म हो गया है, ये वीडियो से हम लोगों को कुछ बेसिक लेसन्स मिलते हैं, लाइफ लेसन्स मिलते हैं, जैसे कि आई थिंक पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को अटेंशन भी देना चाहिए। आजकल स्पेशली टीनेज ईयर्स में बहुत सारे लोग को लगता है कि मेरा लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरा लाइफ बहुत ही बिजी है, मेरा स्कूल कॉलेज चल रहा है, प्लस मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, सोशल मीडिया, आजकल तो सब जन फ़ोन पे लगे होते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा बड़ा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन इट इज़ अ गुड रिमाइंडर सबके लिए, क्योंकि मैं भी वो गलती कभी कभी कर देता हूँ। देखो, मैं बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मैं हमेशा से, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ, मैं फ्रेंड्स से ऊपर मेरा प्रायोरिटी हमेशा फैमिली होने वाला है। जो मेरा डायरेक्ट फैमिली है, मेरे पेरेंट्स और मेरा जो भाई है, वो हमेशा मेरे टॉप प्रायोरिटी में रहने वाला है। लेकिन स्टिल कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं पेरेंट्स को हेल्प करने के जगह पे मेरे रूम में बैठा रहता हूँ, सोशल मीडिया ब्राउज कर रहा रहता हूँ, या फिर मेरे काम में बिजी होता हूँ। तो इट इज़ अ गुड रिमाइंडर फॉर एवरीवन कि पेरेंट्स को हमेशा हाई प्रायोरिटी में रखो। एक और लाइफ लेसन ये था कि झगड़ों को भूल जाना चाहिए, अगर आपने गलती की है तो सॉरी बोल देना चाहिए, और अगर किसी ने सॉरी बोल दिया है, दिल से सॉरी बोला है, तो माफ़ भी कर देना चाहिए। सच्ची मुझे सर्फ एक्सेल के रमज़ान एड्स बहुत पसंद है। इससे पहले मैंने 2 रमज़ान स्पेशल एड्स देखे सर्फ एक्सेल के, ये 3rd वन था। आई थिंक हर साल नया रमज़ान स्पेशल आता है, तो ग्रेट वीडियो, मैं 2 बार रोने के क्लोज आ गया था। आई थिंक 2nd एड और 3rd एड मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इमोशनल था। अभी सुनते हैं कि आकाश को ये वीडियो कैसा लगा। Hey guys, मेरा नाम है आकाश। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इमोशनल एड्स के। काफी कुछ अच्छा है उसमें और काफी अच्छी लगे मुझे ये एड्स, और काफी कुछ सीखने जैसा भी है इसमें। जो मम्मी पापा उनके घर छोड़ के चले जाते, जो बेटा फिर स्टेशन जाता है रेलवे के, तो वो वाला भी मुझे ऐड काफी अच्छा लगा। और जो फर्स्ट वाला है वो तो मुझे बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, 2 भाइयों के बीच में झगड़े होते हैं, तो वो जो छोटा लड़का होता है वो बड़े भाई का लड़का वो मिलवाता है, तो ये सब मतलब देखने को काफी अच्छा लगता है। सर्फ एक्सेल का ऐड था, तो आप लोगों ने तो पहले ही देख लिए होंगे, बट मैं अभी देख रहा हूँ, तो मुझे सच में बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेके, बाय।